हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडल सपोर्ट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं गर्मी लगने के बारे में, जिसे हीट एग्जॉशन भी कहा जाता है। यानी कि गर्मी लगना क्या होता है, इसके क्या लक्षण है, ये समस्या क्यों होती है, इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आज हम इस सारी बातों को इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि गर्मी लगना क्या होता है। दोस्तों, गर्मी लगना एक गर्मी से संबंधित समस्या है जो ज़्यादा देर गर्म वातावरण में रहने के कारण होती है। गर्मी लगना और लू लगना दोनों अलग अलग स्थितियां होती है, और गर्मी लगना लू लगने जितना गंभीर नहीं होता है। हालांकि सही समय पर उचित उपाय न करने के कारण इससे लू लगने की समस्या हो सकती है, और जिससे दिमाग व शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान होता है और कुछ गंभीर मामलों में व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। दोस्तों, गर्मी लगने के लक्षण क्या होते हैं? तो गर्मी लगने के सबसे सामान्य लक्षण है उलझन, धड़कन तेज होना, गहरे रंग का पेशाब आना, ज्यादा पसीना आना, चक्कर आना, त्वचा का रंग फीका पड़ना, बेहोशी होना, मतली या उल्टी होना, थकान, दस्त, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐठन होना और पेट में मरोड़ जो है, ये सारे गर्मी लगने के लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि गर्मी लगने की समस्या क्यों होती है। दोस्तों, गर्मी के मौसम या वातावरण में आपका शरीर पसीने के कारण ही अपना सामान्य तापमान बना पाता है। शरीर से पसीना भाप बनकर उड़ने से शरीर का तापमान सामान्य रहता है। हालांकि जब आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं या गर्म वातावरण में ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो शरीर ठीक से अपने आप को ठंडा नहीं कर पाता, और जिसके कारण गर्मी लगने की समस्या होती है। शरीर में पानी की कमी होने से पसीना नहीं निकल पाता और शरीर का तापमान सामान्य नहीं होता है। शराब पीने से भी शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता पर असर पड़ता है, और जिससे गर्मी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना या ऐसे कपड़े पहनना जो पसीना निकलने नहीं देते, और उससे भी गर्मी लगने का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, बात आती है कि गर्मी लगने का इलाज कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो दोस्तों, अगर आपको या आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति को गर्मी लगने के लक्षण अनुभव हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द गर्मी से निकलकर ठंडी जगह में जाइए, और आराम करना बेहद ही महत्वपूर्ण है। ऐसा ना करने पर स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और इसके अलावा गर्म मौसम में बहुत सारा पानी पीना, ज़्यादा टाइट कपड़े न पहनना, ठंडे पानी से नहाना और ठंडी जगह में रहना आपको गर्मी लगने के खतरे को कम कर सकता है। ध्यान रहे कि ये एक आपातकालीन स्थिति होती है, और इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ताकि वे आपके शरीर के तापमान को सामान्य कर सके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।